सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन है ना, लॉग फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो बेसिकली अगर कोई भी एक लॉग फंक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इस तरह का होगा लॉग एक्स, और इसको हम बोलते हैं बेस, है ना। ये जो ए है ए को हम बोलते हैं बेस, तो ए इज कॉल्ड बेस, सिंपल। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। और जितने भी लॉग फंक्शंस होते हैं ना दे आर मोर और लेस इट विल बी सेम एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ओनली। तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सबको आता है क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल यहां पे ए है तो ए की पावर वाई कर दिया करो, है ना। ए की पावर वाई, तो ए की पावर वाई इक्वल टू एक्स, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो या लॉग वाले फॉर्मेट में लिखो एक ही बात है ना, इट इज वन इन द सेम थिंग। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है लॉग एक्स बेस ए, उसी को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा लॉग लेट्स से 8 और बेस 2, तो बेसिकली आपको अपने आपको क्वेश्चन ये पूछना है ना, लॉग फंक्शन का मतलब क्या होता है। लॉग फंक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि 2 की पावर हम कितना कर देंगे ताकि 8 आ जाए। तो अगर कभी भी आपको लॉग का वैल्यू निकालना तो आप ऐसे सिंपल ऐसे सोचो कि 2 की पावर कितना कर दे ताकि 8 आ जाए। तो 2 की पावर कितना बताओ आप? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको अज्यूम करो लेट्स से फॉर एग्जांपल के। अब जैसे ही आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको सिखाया कि ये जो बेस है ना यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ए इज द बेस, तो जो बेस होता है वो बेस ही रहता है। और ये वाई को क्या बोलते हैं आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, ये जो बेसिकली वाई होता है उसको हम बोलते हैं पावर, पावर या इंडेक्स, या इसका एक और नाम होता है एक्सपोनेंट, है ना। तो ये जो वाई है, वाई के लिए बेसिकली बहुत सारे नाम है, इसको हम बोलते हैं या तो वाई को आप बोल सकते हो पावर, या वाई को आप बोल सकते हो इंडेक्स, या वाई को आप बोल सकते हो एक्सपोनेंट, समझ गए। और ये जो ए है ए इज कॉल्ड बेस, तो ये बेस है, ये पावर है, इक्वल टू एक्स है। तो आप सिंपल इसको जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 की पावर के आ जाएगा। तो 2 की पावर के इक्वल टू 8, इसका मतलब 2 की पावर के इक्वल टू ये होता है 2 का क्यूब, तो k का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये डायरेक्टली भी आप सोच सकते हो कि भाई 2 की पावर हम कितना कर दे ताकि 8 आ जाए, तो लॉग का सिंपल मतलब यही होता है, जैसे क्लियर है। अब देखो इसका डोमेन, ये कब डिफाइंड होता है, डोमेन मतलब x की वैल्यू जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना एक मशीन होता है, तो जैसे ये जो लॉग x है ये भी एक मशीन की तरह है, लेट से हमारा जो फंक्शन है वो ये है लॉग x बेस a, इसके अंदर x का वैल्यू आप केवल और केवल पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आप x का वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, अगर आप पॉजिटिव पुट करोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, बट नेगेटिव का लॉग कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। अगर आप नेगेटिव पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगा, मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ लॉग बेस 10 और यहाँ पे है मान लो -5, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? इसका आंसर आप बोलोगे कि पागल तो नहीं हो गए, नेगेटिव लॉग, लॉग के अंदर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नॉट डिफाइंड आएगा, मतलब बेसिकली इसको आप बोलोगे दिस इज नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड ना, ये डिफाइंड ही नहीं है, लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये बेसिकली डिफाइंड कब होता है, यहाँ पे मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। आप ऐसा समझो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास है एक फंक्शन है वाई इक्वल टू लॉग एन और बेस में है ए, तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? इट विल बी डिफाइंड ओनली इफ, है ना, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड ओनली इफ दिस थ्री कंडीशंस आर गेटिंग फुलफिल्ड। तो तीन तीन कंडीशन है, ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, देन ओनली लॉग विल बी डिफाइंड, अदरवाइज तो लॉग फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं है, तो आप सिंपल लिख दोगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये जो n है n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव, है ना। लॉग के अंदर अगर नेगेटिव आ गया आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, तो लॉग के अंदर जो भी आप पुट करोगे वो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। फिर दो कंडीशन होती है बेस के ऊपर, तो ये बेस का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछेगा जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लॉग बेस 1 और यहां पे लिख दिया कुछ 100, तो इसमें भी आप क्या बोलोगे? इसमें भी आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, आप ऐसे सोचो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर बेस का वैल्यू 1 हो गया, मान लो यहां पे लिखा हुआ है x, तो अब आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि 1 की पावर हम कितना करें, 1 की पावर क्वेश्चन मार्क, दिस विल बी इक्वल टू x, तो 1 की तो कुछ भी पावर करोगे तो 1 ही आएगा, ये x तो कभी आएगा ही नहीं, समझ गए ना। तो बेस का वैल्यू 1 क्यों नहीं हो सकता? बेस का वैल्यू 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा, तो x तो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो दिस इज नेवर पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, समझ गए ना। तो इसलिए बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बेस का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बेस का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये जो n है n का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, इसके अलावा अगर कुछ भी वैल्यूज आपको गिवन है आप सिंपल बोल दोगे नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड, सिंपल आप बोल दोगे नॉट डिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा बोले लॉग के अंदर है मान लो इधर -2 और इधर 5, तो इसका आंसर बेस का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? बेस का वैल्यू होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका भी आंसर आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड, है ना, मतलब पागल तो नहीं हो गए ना ऐसे बोलोगे आप, फाइन। तो ये नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, समझ गया होगा मेरे ख्याल से, यस। और आगे बढ़े, अब देखो जनरली हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में दो बेस ऐसे है जिसको हम जनरली यूज करते हैं, या तो बेस का वैल्यू लेता है 10 या बेस का वैल्यू लेता है ई। अब ये ई जो है इसको हम बोलते हैं यूलर नंबर, और ये जो यूलर नंबर है इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सिमेटली 2.71, ये भी एक कांस्टेंट ही है, जैसे पाई आपका एक कांस्टेंट होता है ना, पाई की अप्रॉक्सिमेट वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो जैसा पाई है वैसा ई है, तो ई भी क्या है, ई भी एक तरह का कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं यूलर्स नंबर, और उसका वैल्यू होता है अप्रॉक्सिमेटली 2.71। अब इसकी डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो मतलब फ्रीक्वेंटली हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में दो तरह के बेस है
जिसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक है लॉग बेस्ड टेन। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो बेस होगा वो 10 होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं भी लिखा हुआ है कि लॉग 15 और बेस कुछ है ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने इस तरह के सॉल्व करे होंगे जिसमें बुक्स में बस लिख देते कि लॉग 15, तो बेस क्या? तो बेस अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 10। और अगर ऐसा लिखा हुआ है ln x, इस तरह का लिखा हुआ है, तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ln नेचुरल लॉग, और नेचुरल जो लॉग होता है उसमें जो बेस होता है वो होता है e। यहां पे आपका जो बेस होता है ना वो होता है e। तो अगर सिंपल आप ऐसे समझ लो, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है log 15 तो बाय डिफॉल्ट आपका जो बेस होगा दैट विल बी 10। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है ln x तो बाय डिफॉल्ट आपका जो बेस होगा दैट विल बी e, और e का वैल्यू है ये 2.71। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यस, ये सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। और आगे बढ़ते, इसमें डाउट नहीं है ना किसी को? इसमें